ਨਹੀਂ ਪੜਨੇ ਹੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਚ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਭਾਈ ਨੇ ਫਰਮੈਸ ਪੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਫਰਮੈਸ ਪੂਰੀ ਕਰੇ ਤੇ ਰੁਪਈਆ 1200 ਲੈ ਲੈਣਾ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਣੇ ਯਾ ਦੋਸਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚਾਹਣਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਜੇ ਜੰਮੇ ਦੀ ਸਿਰ ਮਿਸ਼ਰ ਪੜਨ ਲਗਾ ਤੇ ਜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਬਕਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਸ਼ਰਬਾਦੀ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਸ਼ੌਕੇ ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹਮਦ ਬਾਰੀ ਤਾਲਾ ਜਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਨਾਤੇ ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਪਿਆਰਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਣਾ ਉਸ ਨਾਏ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੇ ਰੁਪਈਏ 150 ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰੀ ਤਾਂ ਰੱਬੀ ਕੀ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਾ ਹੈ इस वास्ते भाई ने परमेश पढ़ने तू मैनू नफरत है कि वो दो जान दी सरदार का नाम सुनी अगर मिगी 2 रुपये देना तो 2 करोड़ जैसे मैं समझता अगर अपने नाम ही अपने नाम ही एडवर्टाइजमेंट कराई तो 1 करोड़ रुपये दे तो आराम है कि जिसके हजूर ना नाम चंगा नहीं लगना अल्लाह ना नाम चंगा नहीं लगना तो उसने ना सुन के या तारीफ सुन के तो मिगी दाद नहीं देना अपने नाम के नहीं बचा कर मिली हजारा चाहिए तो आराम भी नहीं चाहिए नहीं वो कोर रखे कम के साथ ऐसा शुमल मेरे दोस्तों कसम खा के पाईदारे मदी नहीं है ना तेरा एगान नहीं है ये आबादत भी है शुमल भी है और तबलीख भी है दोस्तों ना ये खोलिया उन्हें दामो गिरने की जरूरत है ये की ये पता मेरा सारी उसने तारीफ करना है करना डिडूआ डिडू करना है मेरा सा है जिधर जिधर मेरा ग्रह है जिले मेरा सा खत्म हो गया तो मेरा फालतू ग्रह बचिया मेरे किस काम ना लोग खुदा दास से सोचने मैं नहीं सोचना है ना जिला बादरे शिकम में जिले अल्लाह जन्ना ही नहीं किसकी रोजी देना वहां अल्लाह खैर और राजकीन मैं बेहतर इस देने वाला हूं बेहतर तो बुरादे नहीं है रोज तो सबको रुपए खाओ जरबे पला मुर्गे रोज तो होए नहीं 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 ये नहीं अगर 10 दिन में बासे टुकड़े जिन्हें पर सलाल चढ़े अगर को भी मिलन भी एक अलाख अगर भी की मिलन तो मैं आपसे पैसा छोकर तेरे को तेरे फिर भी आसान है क्यों तू अपनी अपनी जबान तू क्या है कि मैं रिस्क बेहतर रिस्क देने वाला हूं तेरा हथियार जख नहीं हो सकता तो माड़ा नहीं हो सकता जरा तू आखिर में बेहतर दे तो जो मेरे हस्ते हो तू तजवीज की थे तो मैं तेरे सच शुक्र क्यों ना खाना दाता जे तू ने तो बेहतर समझा तो मेरे दोस्तों याद खुदा याद अजीज भी ये कहानी अमूमन दोस्त सुनी होती कि है अल्लाह तू ऐसे बैठे सुनता है जैसे सुनता ही नहीं तू ऐसे बैठे देखता है जैसे देखता ही नहीं इस तू पता लगा कि कितने बाणा वो बुझना पे जे कि तुम्हें करना वो तकना पे एक किताब है अगर तो दाता बिन बख्शी कसल में जो उसना है उस विच सरकार ने एक जगह इस तरह फरमाया कि कोई रईस थी मिसर ना उसने बाग बाग लाया उसने जो माली छोड़िया माली बगैर डेरे उठा रहना सी तो रईस गया तो उस बाग ने सैर करने वास्ते तकड़ छोड़ने वास्ते मालन इतनी खूबसूरत सी कि बादशाह ने अपनी अखा ये भी औरत खूबसूरत पक्की हुई सी बादशाह होने बावजूद मेरा ईमानी मेरा नौकर इतनी खूबसूरत इसने मिली ये हुसन इस पड़ी पे कराए आओ जी तो कोई हूर भी जन्नत नहीं होने लगी उसकी नगर गायर हुई बादशाह ने माली की कह लाए मेरा पैगाम है अल्लाह था तू पहुंचाना उसकी उधर तोड़ देता ये माली चला गया बादशाह उसके मालन भी कहने लगा कि जा एक सारे दरवाजे बंद करके आ जा
मालूम गई सारे दरवाजे बंद करके आ गई। जब बादशाह के नजदीक आई तो बादशाह उसने को पूछना कि सारे दरवाजे बंद कराइए। उसके बादशाह सलामत सारे दरवाजे बंद कराइया, लेकिन एक दरवाजा मेरे को नहीं बंद होया। उसके वो कैसा दरवाजा, कौन सा दरवाजा, केड़ा दरवाजा वो तेरे को बंद नहीं होया? और दरवाजा है जिसमें चुराब देख वो मेरे को नहीं बंद। क्या उस बादशाह ना रब नहीं सी उदा गया, लेकिन उस वक्त उसकी याद नहीं। इसलिए मालूम ने गल कही कि वो दरवाजा भी बंद हो रहा है मेरे को बादशाह ना होया ना हो सकना है, तो जिसमें जिस दरवाजे में तू रब तकना। बादशाह ने तो जमीन जा गया, वो शाही अखंडा जा सारे दरवाजे खोल रब सारे ना है, लेकिन वास्ते मसल याद नहीं रहे। तो देखना भी आओ सुनना भी आओ बंदे को भी पर्दा, बंदे को भी पर्दा जेड़ा सामने तक रहा उसने को भी पर्दा। मेरे दोस्तों ये मुसलमानी जिसका ना है जहन्नम ना दूसरा ना है, जन्नत मुकद्दर की बात है। अगर नहीं जा वरना इतनी मुश्किल आता है। याद खुदा आजे ऐस कार यही कोई कार नहीं, सुबह शाम सुबह शाम अंगामा हरा लश्कर बोलिया हाँ चलमा पढ़ने मेरे नबी जल प्यार करने इन्हें रोटी ब्याह देने के लिए आए हैं। ये मुसलमान मुझे याद करना फिर नहीं करना इसके लिए आए हैं। ना 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 ऐसे रब जिया मेहरबान कोई नहीं, लेकिन रब की आखर नहीं तो कोई वसीला ढूंढा। तो क्या वसीला we'll be right back।
इकबाल मरदे कलंदर रहा है वो ये है कि इस वक्त सोनी दरिया चनाब बीच गई बल्कि एक था मिसा है उस नवा कि उस सोनी मीवाल की किताब में राय खुशहाल की अल्लाह जन्नत बख्शे जिस तरह वाणी इस फन ने उठे से तो जिस तरह सोच ना पेश की थी कुछ की थी भी नहीं लेकिन उन्हें मैं जरूर कह सकता हूं सोनी गुजरात वाली संगीत पेश करने रहे एक दास्तान नहीं सक रही राम इकबाल सरकार की आज तक है हल्के जरूफत हाकी अपने बर्तन बनाने वाला मुतुल्ला कबिहार केड़ा दिल पर बड़े की गल करनी हो रहा मुताबिक खाल के उसे सुनने वाली किताब में चीज लिखा है खाल के जरूफाते खाकी वो खालिक खाक ने बर्तन बनाने वाला मियां साहब जगह इस तरह फरमाया है कि कतरे हिकमनी के विचों कतरे हिकमनी के विचों कई नक्श उतारे कई कई नक्श उतारे पानी से सुंदरत लुक कन अखा एक कद बुत बल्ले ना किथे बनाना पिया पानी पानी उसे सूरत लिखे सीरत नाल सुनारे दाइम इकबाल इस तरह लिखने कारीगर खालिक खाकी पांड्या का कारीगर खालिक खाकी पांड्या का जेदे नाल दा होर कमियार कोई की तारीफ तो सी होगी ला हरीफ ओदा हमकार कोई वाहिद जात बरकात बेमिसल बेचू ओदी मिसल और आर ते पार कोई पुर भरे होए लख खजानिया दे लाजवाल ऐसा मालदार कोई और बर्तन बनाना तो किस तरह चप्पू लेंगलियां टूट गए ही काजल चप्पू लेंगलियां टूट गए ही काजल वे पीछे दिया मौत पैदा होया तो मर गया हिकना पिलिया नु बख्शे उम्र लंबी सौ साल दो सौ साल कच्चिया की मेरे सौ तक पहुंचे पक्के पुख्ता पीले एक न पीले आनु बख्शे उम्र लंबी पुख्ता पक्के आदा इतबार क्या जो करे सो करे ओ कर्ण हारा अगे उसने उसे इनकार लगे बिच परी प्रेम पट्टी लगा ही कि न से एक अंदार कोई इस तरीके ना वो सोनी जिस वक्त दरियाज गई उसे बड़ा कच्चा सी फुरन लगा फुरन लगा कि सोनी उसकी गिले शिकवे कर दी तुझे गिले शिकवे कर दी तो करा उसकी जवाब देना तू कड़ा उसकी अना भी आगे गिले शिकवे क्यों पड़नी है जिस मिट्टी तू पड़ती है वर्षा में उसका मिट्टी ना सर कुछ रह निकले और
बर्तन खुदा के हाथ का बनया है, एक बर्तन हाथ का बनया है, अगर सारा फर्क है मिट्टी का कोई फर्क नहीं। बर्तन जो है रब ने हाथ में बने, मैं जरा एक लंबे हाथ में बने मिट्टी च कोई फर्क नहीं, कारी कार जवाब तो करा उसकी जवाब दे दो कहना जिस मिट्टी में चलता करने हर गल रमज नहीं है।
बैठे एक दिन साहबा इकराम पूछने या रसूल अल्लाह सब तो पहले जन्नत च कौन जासी। हजूर ने फरमाया सब तो पहले बिलाल जासी। साहबा इकराम ने फरमाया या रसूल अल्लाह आपसे भी पहले। जनाब ने फरमाया हां मेरे से भी पहले। रसूलुल्लाह ये कैसे हो सकता है? जनाब ने फरमाया कि जिस सवारी से मैं सवार होता उसने बाद बिलाल ने हाथ ठोसी लिहाजा जिसने आपकी दिमाग होया हो गया इस वास्ते मेरे तू पहले जा सकते। तो दाइम इकबाल थे इस तरह है
लखा की बचना अपना घर भी ना दसना।
ਭਵੇਂ ਲੱਖਿਆ ਜ਼ਹਿਰ ਦਰਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਸਾ जी बाबा जी लेकिन लेकिन कोथर ना दस देने वाले चुप कर गए जी पीने वाले गल कीते तो बगैर लंघी जानी अंदर कई बारी लंघाई ना जिस भी नाल सिन्हा मेरी ਸੁਦੀ ਆ ਜੇ ਨਾਲ ਸੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਚੰਦ ਮਹਿਮਾਨ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਏ ਗੁੜਿਆਲ ਤੋਂ ਵੱਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਣੇ ਲੋਣੇ ਇੱਥੇ ਸਟੋਕਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਬੜਾ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਆਮਣਾ मैं इन्होंने एक अदा करा कि जिथे दाखिल हो रही है ये जिस थान से या जिस टोक च मैं 9 साल की उम्र जितया है 9 साल की उम्र पंजी चौथी चौथी पढ़ने आऊ तो मेरे आज दिन तक भी ये पता लगना मैं आज ही आया इतने या इस नगरी में लोग इतने सारे मौजूद है तकरीबन किसी बेवफाई ने तकी हो सी इंशाल्लाह जी तक इन्होंने बहना सुनना उठना मैं कुर्बान जावा इन्हों तू कि जेडे इतने सिलक शौक खलूस प्यार नाल ये महफिल सुन रहे हो सारे अजीज तो की फल गुजराती सरकार ने शेर है उस फड़ी सी और निदान वास्ते उस फड़ी सी और निदान वास्ते ते किता दिती तो लाडलिया को गलतियां हो जानिया पर ऐनी को ही नहीं सी पर माफ जो नहीं करना जो करे सो करे हो करनहारा अगे उसके उधर इनकार कोई नहीं ऐनी की तो सारी गल सी एक दाने की गल सी जैसे पीछे मिसरा मैं पेश करना पसंद इस वास्ते कि थोड़ी जी इसनी पिछड़ी हो जाए थोड़ा लंबा हो जाए बजाटी बड़ी गलती नहीं सी थोड़ी गुस्सी तो निभाने वास्ते है पर अद्धा जी पिछड़ी ना गला कपी से मारे चाहिए गला हथे चाड़ के अरशा अजीम ढाके
वो फिर फरसे जमीन पे सुट्टी ना नहीं उस फड़ी सी तोड़ निभाने वास्ते पर दिक्कत तोड़ अजवाटियों जनता जो कड़िया तो कदम किठा उसने बड़ा पुट होना शाही लेकिन दाइम इकबाल सरकार ने इसने इस आजाद की दस देव तो जब तक न दिसे दाइम खुदाए जब तक न दिसे दाइम खुदाए पर जे आ जाए सामने सामने शायद कदमों को सहना कोई दसना पर जे आ जाए सामने तो मुस्तफा है से क्या मजा है ऐसे जीने में क्या मजा है ऐसे जीने में कि परवाना यहां तड़पे और जले शमा मदीने में क्या मजा है ऐसे जीने में तो बड़ा ही पुराना शेर है हर बंदे की अपनी सोच होनी अपना ख्याल होना अपनी समझ होनी तो किसे गाना सा ना तेरी राम में खड़े हैं तेरे थाम के हम मैं दीवाने तेरे नाम के तेरे नाम की मुराद जाहिर तो कोई ना नहीं हर आशिक ने अपने महबूब ना ना सामने रख लिया तो शायद ये मेरे महबूब ने बारे कह रहे हैं हर आशिक ने अपने महबूब ना ना सामने रख लिया लेकिन मेरे मदीने वाले आशिक से मदीने वाले ने जोड़ी आशिक से हुआ वो ना तेरी राहों में खड़े हो हमें दीवाने तेरे नाम जोड़े दुनियादार से ना अपने अपने महबूबा ने ना समझ रखे तो भी दीवाने खड़े हैं
सर्विस जारी है, मेहमान बदलते रहते हैं, पर गड्डी पुराना मॉडल आ, डीजल खत्म होने वाला, तो एयर लॉक हो गया सी। सारा को ख्याल कर सो शर्मा आयो बच्चे जी सुन तो हदायतुल्ला ने सिर याद आ गया इसमें छोड़े पर इस छोड़े का हदायतुल्ला आने एक जगह
महसूस नहीं होया। एक साल जरा मेरे भाई जान तो बाद गुजरिया मेरी 53 साल जितना दिसना है। तो इस वक्त वाकया होया है मेरे जो बंदे ना कि जिस प्राउडी सरन ने एडी ऐसा चल रखी थी एडिया मौजा लुटिया पुठ की तो उस प्राउ आया सीधा सीधा ही पुठ नहीं साकया। आज भी अगर मैं किसी दरबार से जावा तो यकीन करो दिल दी गहराइयां विचों मैं दुआ करना कि ऐ अल्लाह अगर किसी की भरा दिता ही तो मेरे भरा जैसा दही हो एक मिसाल से इतना चंगा भरा। तो जिस वक्त उन्होंने तो फोतगी ना मेरे कन्ना में आवाज पिया तो मेरे नाल गमांडी सी मेरा तो आखिर ना मोटरसाइकिल भी चाहिए तुसा ने बने छने तो मत थिड़क जाए मोटरसाइकिल क्योंकि उसकी पता था सारा कि कितना दर्द भरा सी इसना। तो मैं उसकी अगू जवाब दिता कि नगरी दुनिया में अक्सर यूं होता रहता है। मैं उसके अगू जवाब दिता कि नगरी दुनिया में अक्सर यूं होता रहता है। ये दिल दिमाग में जो टेम्परेचर है इसलिए सुई जिता थे इसी उठा ही है ना इतू लो होया तो ना इतू आई होया। वो क्यों कि ये पता है असा इस मंजिल ले रही हाँ रब ने फरमाया है कि मौत तो तेरा यकीन होना चाहिए ईमान होना चाहिए तो वो रस्ता पर हक है। और यह भी पता है कि बंदा मारने वाली शायद नहीं है ये भी पता है। एक वसाल है ट्रांसफर है तब्दीली है इधर से उधर जाना है मरना नहीं है। तो सिर्फ इतनी बात है क्या फकी जाना कलम साफ Thank you.
इस तरह से पेश करने कि पता लग रहा कि वजूद हुसैन या लिबास हुसैन मैदानी करके बुलाओ इश्क खुदा भी आ गया सरकार सिर्फ बने बन के बंद कर लेकिन दायम इकबाल हरे के जिस रस्ते हुसैन गुजरे वो खिजर इस्लाम की राह ही को नहीं लगा एक मशहूर शेर है ख्वाजा मैयदीन चश्ती है जी मेरी शाह हुसैन बादशाह हुसैन दीन हुसैन दीन फराज हुसैन सरदार नादार दस्त दरबस्ते यजीद हक्का के बिनाए लाए लाश हुसैन तो दायम इकबाल इस तरह लिखेंगे
सपने सुखलदार रखना।
के मुस्ता अमरीका इंग्लैंड कुछ कदर जान रखना अब भी दसना नीलाम काम रखना सजना रखिया उसी तुसा हमूमन महफला विच आज दिन तक कोई और से इस जबान जो तुसा ना सुनिया उसी हजारों लोगों फरमाइश की महलाला साड़ा है सबके लिए साड़ा सबकी ओर है साड़ा तो सबके है कि रात में जागना सुन लू हजार दर्जे बेहतर है लेकिन वो जागना जरा बद भी है शुगल भी है तबलीफ भी हो जाए वो जागना भी जो आप बेकार दस और बेकार करी छोड़ जाए आदमी में फलानी आन बान रखना अकरम शुक्रिया उसका है जैन जिसमी अकरम शुक्रिया उसका है जैन जिसमी